हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे पास है आईफोन एक्स। ओह नो, ये तो पोको F1 है। सो वेलकम गाइस आज की फ्रेश वीडियो में। और आज मेरे पास है पोको F1, जिसमें मैंने इंस्टॉल किया हुआ है MIUI 11 बेस्ड रोम, जिसका नाम है MI रोम, और जिसका वर्जन है 9.11.21 बीटा, जो कि अभी फ़िलहाल सबसे लेटेस्ट है। और मैंने इसको 3-4 दिन पहले इंस्टॉल किया था, और अभी इसको यूज़ करते हुए मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि MIUI की रोम्स इतनी स्टेबल नहीं होती, बट ये कस्टम रोम होते हुए भी काफ़ी स्टेबल है। और इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो चलते हैं सेटिंग में, और जो कि हमें पहले वाली रोम में फ़ीचर्स मिलते थे, जैसे डार्क मोड, वो हमें इसमें भी मिलता है, और उसके साथ साथ ग्लोबल डार्क मोड भी मिलता है। बट जो नया फीचर है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें हम जाते हैं स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम में आपको एक फोकस मोड मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आप ऑब्वियसली फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको वन प्लस डिवाइसेस में मिलता है। तो ये एक आपको नया फीचर मिल जाता है। सिक्योरिटी में आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको बैटरी सेवर में आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ये आपकी सारी बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ डिसेबल कर देता है, और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात इस रोम की जो मुझे लगी है फ़िलहाल, इसकी परफॉर्मेंस, मैं आपको इसके बेंचमार्क दिखाता हूँ। लेट्स सी, Geekbench 4 देखते हैं। Geekbench हमें काफ़ी इम्प्रेसिव मिल जाते हैं स्कोर्स इसमें, जो फ़िलहाल इसी रोम में मिलते हैं। और अभी कुछ नए रोम्स जैसे इसके आते हैं, मैं उनके भी जो है Geekbench रिजल्ट्स चेक करके बताऊंगा आप सभी को। और रोम काफ़ी स्टेबल है, और NT2 का एक बार ही बेंचमार्क देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमें NT2 का 343,936 स्कोर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जैसे मैंने पढ़ा था, अभी जो भी Geekbench ऐप्स हैं, इन सब के जो है रिजल्ट्स बढ़ाए गए हैं सारे डिवाइसेस के, तो हो सकता है इसकी वजह से भी ये रिज़ल्ट ज़्यादा दिखा रहा है, बट स्टिल काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं हमें। इस रोम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, इवन मैं भी कर रहा हूँ। बट एक दिक्कत है इसमें, में आप पोर्ट्रेट मोड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो नॉर्मल फ़ोटोज़ ही आ रही हैं, नॉर्मल जैसे फ़ोटोज़ मोड में आती हैं। बट उसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि है जी कैम का पोर्ट्रेट मोड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इसकी पोर्ट्रेट मोड की इमेज काफ़ी अच्छी, इवन स्टॉक कैमरे से भी ज़्यादा अच्छी हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें आपको पबजी खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि ट्रेनिंग मोड में तो सारे गेम्स 5000 वाले फ़ोन भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो मैं एक बारी आपको गेम्स में खेल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा गेम प्ले। तो देख सकते हैं अभी हमारे फ़ोन के ग्राफिक्स है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, और खेलते हैं हम TDM खेलते हैं। Team match, let's go. मैं गेम इतना खेलता नहीं हूँ, बट स्टिल जितना खेलता हूँ उस हिसाब से मुझे परफॉर्मेंस अपने पोको की कभी भी बुरी नहीं लगी गेम के मामले में। गेम के मामले में आप कह सकते हैं कि हाँ मैं नूब हूँ, क्योंकि मैं इतना गेम खेलता नहीं हूँ, बट हाँ मेरा भाई खेलता है।
तो ये तो हो गए स्मूथ प्लस एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स। तो अभी हम लोग थोड़े ग्राफिक्स बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हो, सीधा HDR कर दें। ठीक है, HDR करके देखते हैं, HDR प्लस अल्ट्रा ग्राफिक्स करके देखते हैं। आई नो गेम थोड़ा लैग ज़रूर होगा, बट स्टिल लेट्स सी। HDR एक्सट्रीम करने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि गेम बिल्कुल प्लेबल नहीं है, गेम बिल्कुल प्लेबल है, आपको आराम से 40 FPS तक मिल जाते हैं, जो कि सीरियसली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कोई भी फ़ोन अभी इस बजट में जो पोको F1 अवेलेबल है आपको इतने अच्छे ग्राफिक्स नहीं देगा। लिटरली पोको F1 में PUBG खेलने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं। HDR एक्सट्रीम में खेल रहा हूँ मैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि मैं किल नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा गेमिंग मोड, हमें 40 FPS आराम से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग करते हुए मैं इतना अच्छा खेल पा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि आपको गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ कि मेरे को सीरियसली अभी गेम बंद करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अच्छा, ज़्यादा तारीफ कर दी। तो ये था थोड़ा सा गेम प्ले पबजी का। तो अगर आप पबजी खेलते हैं अपने फ़ोन में तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी सारे फीचर्स आपको वही मिल जाते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट स्टॉक में मिल जाते हैं। बट ये है कि आपके आपको इसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लोटवेयर नहीं है, तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके TWRP से इसको फ्लैश कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।